गुड मॉर्निंग क्लास 8। सो टुडे इज 7th of October 2020 एंड वी हैव रिसीव्ड आवर साइंस वर्कशीट नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग आवर वर्कशीट। हियर आवर टुडेज टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल इफेक्ट्स। इन द लास्ट वर्कशीट वी हैव डन द यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक हार्मफुल इफेक्ट्स। बट हार्मफुल इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज स्पॉइलिंग द फूड। सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं बहुत से ऐसे हैं जो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। किस तरीके से करते हैं? आपने घरों में देखा होगा जो ब्रेड हैं, रोटी है, जिसको हम अगर सपोज किसी बॉक्स में जिसमें आप चपाती रखते हैं उसके अंदर अगर आप बहुत टाइम तक उसको एज इट इज़ रखे रहने देते हैं, उसमें नमी हो जाती है। सपोज़ आपने ऊपर से जो बॉक्स है उसको बंद कर दिया है, उसके अंदर नमी हो जाएगी, और अगर गर्मी की जगह पे आपने रखा है तो जहाँ भी नमी और गर्मी रहती है वहाँ पर उसके ऊपर फंगस लग जाता है। ठीक है, दैट फंगस, व्हाट इज़ दैट फंगस? अगर आप देखें तो हल्का वाइट कलर का, ग्रीनिश या ग्रेइश कलर के अंदर हल्का, जैसे कॉटन होता है ना उस तरीके से सॉफ्ट जो है आपको दिखाई देगा, उसको हम फंगस बोलते हैं। वो एक्चुअली है क्या चीज़, कैसे लगता है? वो लिविंग थिंग्स होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं, वो जो फूड है उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं और बढ़ते चले जाते हैं, पूरे फूड को पर फैल कर उसको स्पॉइल कर देते हैं। अगर आप यहाँ से देखें, देखिए ब्रेड के ऊपर दिखाया हुआ है, यहाँ पर लाइट ग्रे कलर में है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फूड को स्पॉइल करते हैं। दिस इज द हार्मफुल इफेक्ट। नाउ द सेकेंड हार्मफुल इफेक्ट इज डैमेज टू वाटर बॉडीज। डैमेज, हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैमेज द वाटर बॉडीज? एल्गी ब्लूम। सी आपने देखा होगा कहीं पर भी अगर पानी रुका हुआ है, जैसे आपके घरों में अगर आप देखें जो टंकी होता है ना पानी का, अगर आप उसको देखें उसमें बहुत टाइम तक अगर हम साफ नहीं करते हैं, ग्रीन कलर की उसके अंदर एक लेयर आ जाती है जिसको हम नॉर्मली काई भी बोलते हैं, वो एक्चुअली क्या है? दैट इज़ ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी। तो वो क्या करती है, पहले हल्का थोड़ा रहेगी और फिर वो धीरे धीरे पूरी जो है सरफेस पे वाटर बॉडी की वो फैल जाती है। जैसे कि हम अगर पोंड्स की बात करते हैं जहाँ पानी रुका रहता है, साफ़ सफाई नहीं होती है, गंदगी रहती है, वहाँ ये फैलना स्टार्ट हो जाते हैं। एक क्या टाइम आएगा जहाँ पूरी जो सरफेस, वाटर सरफेस है उसको वो फुली कवर कर लेंगे। अब उससे नुकसान क्या है, हमें कैसे डैमेज करते हैं? तो वो डैमेज ऐसे करते हैं क्योंकि वाटर बॉडीज़ के अंदर बहुत सारे लिविंग जो हैं ऑर्गेनिजम्स वो भी रहते हैं, लिविंग बींग्स रहते हैं, जैसे फिश है, अदर जो है प्लांट्स हैं, ठीक है, सी एनिमल्स हैं, वो सभी रहते हैं। अब अगर ऊपर से जो है कवर कर लेगी लेयर, तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है जो एयर से पानी के अंदर जाती है उन एनिमल्स के लिए, वो नहीं जा पाएगी। और अगर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी वो ब्रीद नहीं कर पाएंगे, ब्रीद नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे सिक होते हुए वो जो है मरना शुरू हो जाएंगे। तो उस तरीके से ये नुकसान जो रहता है वाटर बॉडीज़ को और उसमें रहने वाले एनिमल्स को। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉजेज डिसीज इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। सी जितनी भी डिसीजेज हैं, चाहे वो ह्यूमंस में है, एनिमल्स में है, इवन इन प्लांट्स आल्सो, दे आर बिकॉज ऑफ द माइक्रोब्स, हार्मफुल माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वजह से होता है। अब होता किस तरीके से है, देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो थ्रू वेरियस कैरियर्स एयर, वाटर या ब्लड के थ्रू भी जो हैं वो एक जो हेल्दी बॉडी है उसके अंदर जो है एंटर कर जाते हैं। एंटर करके हमारी ही बॉडी से जो न्यूट्रिशन है वो लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम खाना खाते हैं ना, वो न्यूट्रिशन वो माइक्रोब्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाई होके एक से दो, दो से चार, इस तरीके से ये बढ़ते चले जाते हैं। और जब ये बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये बहुत ही कम टाइम के अंदर जो है लाखों हो जाते हैं, और पूरी बॉडी को धीरे धीरे हमें जो सिम्टम है किसी भी बीमारी के आने स्टार्ट होते हैं, जैसे जुकाम होगा पहले लाइट होगा और फिर वो बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो जाता है। रीज़न बींग इज़ जो नंबर ऑफ माइक्रोब्स हैं जिनकी वजह से जो है कोई भी डिसीज़ है
वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो डिसीज़ भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी के अंदर जो है बीमारी फैलाते हैं। मलेरिया है, टीबी है, टाइफाइड है, ये सभी जो हैं किन से होते हैं, माइक्रोब से होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसके अंदर वो हमें दिया हुआ है, सम फंगस कैन कॉज डिस्ट्रक्शन टू द क्लॉथ्स, पेपर, लेदर एंड ऑन स्टोरेज। सी, नॉट ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे डैमेज द अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स टू। जो लेदर है, लेदर किससे होता है, जो एनिमल्स है उनकी ही स्किन से बनता है ना, तो कहीं ना कहीं लिविंग बींग का ही एक पार्ट है। उसी रीज़न से क्या है, उसी से भी उन्हें, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है, इसीलिए लेदर को वो ख़राब कर देते हैं। लेदर बैग्स हैं, जैकेट्स हैं, उनको बहुत केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर हम एक जगह पैक करके रख देते हैं जहाँ पर क्या है गर्मी भी है और हल्का नमी भी बन जाती है, तो उससे क्या होता है वो ख़राब हो जाते हैं। अधिकतर अपनी मम्मी से भी डिस्कस करना, बारिश के मौसम में चीज़ों पर ये फंगस है वो सबसे ज़्यादा लगता है क्योंकि नमी रहती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, मम्मी से पूछना, हम घरों में जो भी कपड़े हैं, जैकेट्स हैं, हम उन सामानों की सफाई करके धूप में भी रखते हैं ताकि अगर कोई नमी है तो वो हट जाए। नेक्स्ट इज कॉजेज डिसीज इन द प्लांट्स, नॉट ओनली इन ह्यूमंस। मैंने जैसे आपको बताया जो प्लांट्स हैं उनमें भी डिसीज़ हो जाती हैं, आप उसको देख भी सकते हैं। आपने कई प्लांट्स देखे होंगे जिनके जो लीव्स होते हैं ना उसमें हल्के होल्स हो जाते हैं, या उनके ऊपर हल्के हल्के आपको जो हैं जो स्पॉट्स हैं वो दिखाई देंगे। जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन कलर के जो स्पॉट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये एक्चुअली हैं क्या, ये सिम्टम्स होते हैं दैट प्लांट इज़ नॉट हेल्दी, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई डिसीज़ जो है वो उसके माइक्रोब्स एंटर कर चुके हैं। ये किस तरीके से एंटर करते हैं, जैसे कि मिट्टी है उसके अंदर रहेंगे, पानी हम देते हैं उस पानी के साथ, जैसे पानी जो है प्लांट की रूट्स जो हैं सक करती हैं, उसके साथ माइक्रोब्स भी एंटर हो जाते हैं और वो पूरे प्लांट में फैल के धीरे धीरे तो क्या होगा, सिक होना स्टार्ट हो जाएगा प्लांट। धीरे धीरे उसके जो लीव्स हैं वो येलो पड़ के सूखने स्टार्ट हो जाएंगे और फिर वो झड़ते जाएंगे और प्लांट जो है पूरा डैमेज हो जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द डिफरेंट लिविंग बींग्स एंड इवन ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स। सो वी विल हैव अ क्विक रीडिंग ऑफ आर टॉपिक फ्रॉम दिस वर्कशीट, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। So far we have learned about the beneficial effects of the microbes along with their medical and commercial uses. Like in our last worksheet number 4, we have studied about the antibiotics and other medicines that we prepare from the microorganisms. But in this worksheet, besides this, some of the microorganisms have the harmful effects. Like I have already discussed above that microorganisms are also harmful for us. As shown above, they cause various communicable diseases in plants, animals and human beings. Here, this is important, the word communicable. See, what are communicable diseases? Diseases which spread through various means of air, water, blood and even by exchanging the things and using the things of the sick person. For example, suppose kisi ko jo hai, सपोज कोल्ड हो जाता है, जुखाम हो जाता है, तो उससे क्या कर, अगर हम उनकी यूज़ की हुई चीज़ों को यूज़ करते हैं, सपोज वी शेयर आवर फूड, वी शेयर आवर क्लोथ्स, वी शेयर आवर हैंकीज टॉवल्स विद एनी इल पर्सन, देन द माइक्रोब्स फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स दे गेट एंटर्ड इनटू आवर बॉडी एज वेल एंड वी विल ऑल्सो गेट सिक। सो दीज आर कॉल्ड द कॉम्युनिकेबल डिसीजेज विच स्प्रेड थ्रू एनी मीडियम, whether it's a sharing of either food, water, as I already discussed. So all these are communicable diseases which are caused by the microorganisms. Next, we will read from here. The diseases causing microorganisms are pathogens. What are pathogens? Pathogens किन्हें हम बोलते हैं, जो भी microbes जिनकी वजह से diseases होती हैं उनको pathogens बोलते हैं हम। The pathogens are transmitted from one infected person to a healthy person by various means like contaminated blood, water, air, soil, physical contact and through vectors. As I already discussed, through water, if we
शेयर द वाटर विद एनी पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज. अगर हम एक ही ग्लास में पानी पी लेते हैं, सपोज वो शेयरिंग हो गया, हम एक ही प्लेट में एक ही साथ खाना खा रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया, शेयरिंग हो गया. क्योंकि सपोज किसी को, जैसे मैंने बताया कि कोल्ड है, सपोज वो स्नीज अगर करते हैं तो एयर के अंदर क्या होगा, आ जाएंगे माइक्रोब्स. हम वहीं नियर बाय बैठे हैं, हम सांस लेंगे, वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाएंगे. कई अगर कोई हैंकी के यूज़ के बिना अगर स्नीज करता है तो उसके हाथ पर माइक्रोब्स आ सकते हैं, उसी से वो खाना खा रहे हैं, खाने पर आ जाएंगे, उसी खाने को हम खा रहे हैं, हमारी बॉडी में आ जाएंगे. एंड ये सारे मीन्स होते हैं, ठीक है. कंटामिनेटेड ब्लड का मतलब होता है कोई इल पर्सन है, जब माइक्रोब्स बॉडी में एंटर होते हैं तो पूरी ब्लड स्ट्रीम में वो फैल जाते हैं, तो वो ब्लड हो जाता है, दैट इज़ द कंटामिनेटेड विद द माइक्रोब्स. मीन्स माइक्रोब्स जो हैं वो उस ब्लड में मिले हुए हैं. सेम ब्लड अगर हम किसी की बॉडी से लेके किसी दूसरी हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट अगर कर दें तो उससे भी जो है डिसीजेस हो जाती हैं. इसीलिए जब भी जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं या किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो ध्यान दिया जाता है, पहले टेस्ट किया जाता है कि जिसका ब्लड हम ले रहे हैं उन्हें किसी टाइप की कोई डिसीज़ तो नहीं है. अगर हमने किसी ऐसे पर्सन का ब्लड अगर हमने ले लिया जिसको डिसीज़ है तो वो हार्मफुल हो सकता है अगर हम किसी और पर्सन को वो ब्लड जो है इंजेक्ट कर देते हैं. सो ऑल दीज आर द मीन्स. नाउ वी विल डिस्कस आर क्वेश्चन आंसर्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो लेट्स सी इट्स आंसर. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, द फर्स्ट पॉइंट इज दे स्पॉइल द फूड, दे स्पॉइल द क्लोथ्स एंड द लेदर, दे ऑल्सो स्टेग्नेट द पेपर. मीन्स पेपर को भी क्या करते हैं, वो गला सड़ा देते हैं. दे ऑल्सो किल मैनी माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन वाटर. वाटर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी किल कर देते हैं, वेदर दे आर प्लांट एंड एनिमल्स. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज वाई इट इज़ एडवाइज टू कीप द फूड कवर्ड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो, वट आर द पैंटागन्स एंड हाउ दे आर ट्रांसमिटेड. So, our answer number 2 is, the food should be covered so that the germs that spread diseases through air, mosquitoes, fly, they do not contaminate the food. See, food को किस लिए हमें cover करना है, क्योंकि आप अगर food को cover नहीं करते हैं तो जो मॉस्किटोज़ होते हैं, फ्लाइज होते हैं, ये क्या करते हैं, जहाँ भी जो गंदी जगहें होती हैं वहाँ पर बैठ जाएंगे, कूड़ा कचरे पे बैठ जाएंगे एंड दे कैरी द माइक्रोब्स ऑन टू देयर बॉडी. एंड व्हेन दे सिट ऑन द फूड, इफ़ वी डोंट कवर द फूड, इफ विल दे विल सिट ऑन द फूड देन दे विल लीव दैट माइक्रोनिज्म ऑन द फूड. इफ विल ईट दैट फूड देन वी ऑल्सो गेट suffered from the disease because those microbes will get entered into our body, right? So we should cover our food. Now the answer number 3 is, question number 3 is, what are pentagons, how they are transmitted? We have already discussed it. Now see its answer. The microbes that spread the disease are called germs or pentagons. And how they get transmitted? They get transmitted to the healthy person's body by eating, by air, by water, food, or using the things used by the sick person. So this is our answer number 3. And last question is, name some of the diseases that are caused by the microorganisms. So dengue, malaria, chikungunya, all these are the diseases which are spread by the microbes, and mostly mosquitoes are the carrier of these microorganisms. Unki body mein jo hain wo microorganisms jo hain mosquito ki body mein hote hain. Mosquitoes hame bite karte hain aur hamari blood stream mein un microbes ko inject kar dete hain and we get sick. So this is our worksheet number 5. जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें नोटबुक में कीजिए, नीट एंड क्लीन वर्क कीजिए, विदाउट एनी कटिंग, विदाउट यूजिंग एनी फ्लूड, एंड सेंड देम बैक टू मी फॉर चेकिंग. थैंक यू सो मच क्लास, हैव अ गुड डे.